कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। पूरे देश में अब तक 649 केस सामने आ चुके हैं। सिर्फ 24 घंटे में 42 मामले और 4 मौतें सामने आई हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में कोरोना की बढ़ोतरी दर में कमी आई है, जिसे एक अच्छी खबर आप मान सकते हैं। कोरोना बढ़ोतरी दर यानी कि जिस गति से कोरोना फैल रहा था उसमें कमी दर्ज की गई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए स्पेशल अस्पताल बनाने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, सरकार एक के बाद एक अहम फैसले कर रही है, लेकिन एक राहत भरी खबर आज ये आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कहा है उसे आप राहत मान सकते हैं, क्योंकि कोरोना की जो बढ़ोतरी दर है उसमें कमी आई है, उसमें गिरावट आई है, लेकिन लड़ाई अभी बहुत लंबी है, ये मत भूलिएगा। और इसीलिए इंडिया न्यूज आपसे लगातार अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहिए, घर में लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए रहिए, और इसके साथ ही आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके वीडियोस भी आप जरूर शेयर कीजिए। हम दिखाएंगे आपको इंडिया न्यूज पर लगातार। हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से मदद के हाथ भी बढ़े हैं, और इसकी पूरी स्टोरी, पूरी खबर हम आपको आगे बताएंगे। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, इसके बारे में भी जरा आपको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। आपको मालूम है कि इटली में किस तरीके से लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला गया। स्पेन भी चीन से अब आगे निकल गया है। और इस बीच आपको बताएं कि अमेरिका में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। स्पेन में अब तक 4,079 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। चीन में 3,287 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब और भी कई देश हैं जो इसे पछाड़ चुके हैं। इटली में 7,503 लोगों की मौत अब तक कोरोना की चपेट में आने से हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से 1,036 लोगों को संक्रमण हुआ है। स्पेन में 4,079 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो ये कुछ अहम अपडेट है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन जहां से कोरोना वायरस शुरू हुआ, लेकिन अब तमाम ऐसे देश हैं, इटली और स्पेन, जहां पर कोरोना के मामले एक के बाद एक बढ़ते चले गए, और अब वहां पर मरने वालों की संख्या चीन से भी ज्यादा पहुंच गई है। 4,079 लोग हैं जिन्होंने स्पेन में दम तोड़ा है कोरोना की वजह से। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। और इसके साथ ही आपको बताएं, कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको कुछ जरूरी बातें भी जान लेनी चाहिए। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कोरोना से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लगातार देख रहे हैं। अगर आपको जुकाम है, खांसी आ रही है, तो आपको फ्लू हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपको सूखी खांसी और तेज बुखार है तो आपको कोरोना की जांच जरूर करवानी चाहिए। आपको गुनगुना पानी पीना है, ये आप जरूर याद रखिएगा। कोरोना, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत कीजिए, घर पर रहिए आप। इस तरह आप अपने आप को इस वायरस से बचा सकते हैं। तमाम एहतियात हैं जो आपको बरतने चाहिए, और लगातार इंडिया न्यूज आपको इस बारे में सतर्क कर रहा है, जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, कोरोना आपको है कि नहीं ये जानने के तरीके जो हैं वो टेस्ट के अलावा भी हो सकते हैं, जिसकी जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि इस वायरस से खुद को बचा कर रखना, बार बार अपने हाथ आप साबुन से धोते रहिए, विटामिन सी का सेवन जरूर कीजिए, ठंडी चीजों को खाने पीने से परहेज कीजिए, घर के अंदर रहिए जितना रह सकते हैं, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कीजिए। आपको सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो आपको जरूर टेस्ट करवाना चाहिए कोरोना का, लेकिन इसके साथ ही गुनगुना पानी पीते रहिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। कोरोना में सूखी खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पूरा का पूरा जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है, और इसीलिए आपको ये तमाम बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देश में लॉकडाउन के बीच हर किसी की जिंदगी पर असर पड़ा है, क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई प्रभावित हुआ है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में बड़ी बड़ी शख्सियतें लोगों को अपने अपने तरीके से मोटिवेट भी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता की सड़कों पर निकली। मंडी में जाकर उन्होंने लोगों को सब्जी खरीदते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने को कहा। तस्वीरें आप देखिए। ऐसे कर दो,
स्पॉट ले जाते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है और आपसे बार बार अपील यही की जा रही है कि दूरी बनाए रखें और इसी को लेकर जागरूक किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। कोरोना पर मुंबई पुलिस किस तरह से लोगों से घरों में रहने के लिए कह रही है, अपील कर रही है, ये भी जरा आपको दिखाते हैं। पड़ोसी की समाधि में जला लो वारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, मुश्किलों में है वतन मां, जी हाँ। तो मुश्किल में वतन ही नहीं, पूरा विश्व है, पूरी दुनिया है और इसी को लेकर पुलिस का ये जागरूक करने का तरीका है। इसके अलावा भी कई खबरें हैं जो कि एक अच्छा संदेश दे रही हैं, जनसेवा करने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। मुश्किल दौर है, मुश्किल वक्त है, अपनी ओर से कुछ लोग आगे आए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। संघ की संस्था सेवा भारती किस तरह लोगों की मदद कर रही है ये भी जरा देखिए। हाँ तो ये समर्थ है हमारे, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेवा भारती संघ की संस्था जो आगे आई है इस वक्त में जब पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा है और कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं जहां पर खाने पीने की दिक्कतें भी लोगों को हो रही है, खासतौर से मजदूरों को, और इसके साथ ही सैनिटाइजर, मास्क, इसकी कमी भी कई इलाकों में देखी गई है। ऐसे में ये पहल सेवा भारती की ओर से की गई है। अब देखिए किस तरह से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जरूरी सामान भी बांटे जा रहे हैं। सैनिटाइजर्स हो गए या फिर मास्क हैं, खाने पीने की चीजें हैं, ऐसे कई संस्थान हैं जो सामने आ रहे हैं। तो कोरोना पर 21 दिनों तक पूरे देश में लॉकडाउन है। सरकार और प्रशासन सख्ती से इस लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान में इस लॉकडाउन का अभी तक क्या असर है। आपको दिखाऊंगा अभी, यहाँ कुछ ही देर पहले एक वाहन आया है जो पंजाब से बताया जा रहा है, पंजाब से यहाँ आया है, पुलिस ने इसे रोक लिया है। या गाड़ी का नंबर मैं कहूंगा, गाड़ी का नंबर दिखाएं। कुछ लोग भी इसके अंदर मौजूद हैं जो बताया जा रहे हैं पंजाब से यहाँ चलकर आ रहे हैं और इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे आखिर ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, ये किस तरह से पंजाब से यहाँ से पंजाब के रास्ते ही मुरादाबाद पहुंचे हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्यों और किस परिस्थितियों में यहाँ आए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग। सर जी हम पंजाब मोहाली से आए हुए हैं। सर जी किस तरह से आए आप रास्ते में? आप ये मतलब ऑटो से आए हैं जी, और अपना जो ब्रदर है वो एक्सपायर हो गया है जी, उसके मतलब कोई साधन नहीं था, इस करके अपनी साधन लेके आए हैं। और भाई के तो रास्ते में किस तरह से आने दिया? पुलिस जगह जगह बैरिकेड किए हुए है, लॉकडाउन है पूरी। उन्होंने भाई को परेशानी में देखते हुए उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप जाओ, ज्यादा परेशानी है, भाई एक्सपायर हुआ है शाम, इस कारण उड़े आए हैं जी। कहीं भी आपको नहीं रोका गया? हर एक जगह रोका जी, हर एक जगह चेक करके जब भेजा गया है। इन्होंने अपनी परेशानी बताई है, मजदूर है, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, देख सकते हैं आप, ये महिला हैं, काफी परेशान है, रो रही हैं। इनका कहना है कि यहाँ जो लोग रास्ते में इनको रोका गया तो इन्हें बताया गया कि इनके यहाँ कुछ मौत हो गई है बताया जा रहा है, तो बच्चे भी इनके साथ हैं और दिल्ली के रास्ते होके आ रहे हैं। रामपुर जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि सभी को सब्जी घर पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, किसी को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। आज हमने सुबह सुबह मंडी समिति का जायजा लिया और यहाँ पर जब हमने देखा तो तमाम सारे लोग रोजाना की तरह सब्जी खरीदकर सड़कों पर ले जाते हुए दिखे हैं। यहाँ पर हम एक आड़त पर हैं, आप मुझे बताओ आप कैसे सब्जियां बेच रहे हैं? जैसे रोज बेचते थे वैसे ही बेच रहे हैं या फिर कुछ लॉकडाउन के बाद कुछ असर है? डेली जैसे बेचते हैं वैसे ही बेच रहे हैं। आपकी जो लेबर है उसको हाथ कैसे धुला रहे हैं? लोजन दिखाओ जरा कहाँ है?
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी के पास भी इससे बचने के लिए ना तो हाथ धोने के लिए कुछ है और ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीजों को उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोरोना वायरस इनको अटैक करता है तो बड़ी आसानी से सब्जियों के माध्यम से हमारे और आपके घर भी ये पहुंच सकता है। जिलाधिकारी ने साफ तरह से निर्देश दिया था कि कोई दुकान नहीं खोलेगा, अगर खोलेगा तो उससे सारी चीजें हम खरीदेंगे और हम खरीद कर आपके घर पर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक जिले में किसी के घर भी जिला प्रशासन ने सब्जी प्रोवाइड नहीं कराई है और जो सब्जियां बेच रहे हैं वो रोजाना की तरह वैसे ही बेच रहे हैं जैसे लॉकडाउन से पहले बेचते थे, यही बात है ना? हाँ जी। तो आप लोगों को तो मालूम है, आप तो खुद जागरूक हैं, शरीर से भी हष्ट पुष्ट हैं, आप नियमों का पालन करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, हमारे इंडिया न्यूज के माध्यम से बताइए। हाँ, नियमों का पालन कर भी रहे हैं और करेंगे भी। बहरहाल अब इन्होंने हमसे ये वादा किया है कि हम नियमों का पालन करेंगे, तो कल हम फिर यहाँ पर आएंगे और जायजाद लेकर आपको बताएंगे कि रामपुर की मंडी समिति में कुछ बदलाव आया। यहाँ पर तो स्थिति वैसी की वैसी है जैसे लॉकडाउन से पहले थी। अगर वायरस को रोकने के लिए आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और नहीं आएंगे तो आपका भी वही हाल हो सकता है जो बाकी के देशों में लोगों के लिए हो रहा है। रामपुर से इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह राजपूत। इस वक्त मैं एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि जरूरी सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं चालू है और लोग यहाँ पर मौजूद नजर आते हैं। यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो पूरी तरह चालू है? जी हाँ, इमरजेंसी सर्विसेज हर अस्पताल में पूरी तरीके से चालू है। बस एक ही रिक्वेस्ट है आम जनता से कि अपने घरों में रहें और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बना के रखें। सर, जो लोग बाहर आ रहे हैं आप उनको क्या ताकीद करेंगे, क्योंकि कर्फ्यू के बावजूद भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं? नहीं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने हम लोगों से निवेदन करा है कि सब अपने घर में रहें और इस बीमारी से बचाव का यही एकमात्र तरीका है कि हम लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बना के रखें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, खूब अच्छे से खाएं, हाई प्रोटीन डाइट लें और घर में आराम करें। तो आपने देखा कि इंदौर की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ कर्फ्यू लगाया गया है, लोगों को इस बात की ताकीद की गई है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जो कोरोना का ये जो दानव है इससे भारत की इस लड़ाई के अंदर सहयोग दें ताकि इस दानव से देश मुक्त हो सके। प्रधानमंत्री का आह्वान है, मुख्यमंत्री का आह्वान है, साथ ही साथ सभी लोग आह्वान करते हैं और ये कहा जाए कि अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन शान के साथ अतिया अभिषेक, इंडिया न्यूज, इंदौर। भारत भर में 21 दिन का लॉकआउट कर दिया है। इस वक्त जो है जुहू इलाके में आप देख सकते हो कि पुलिस ने जो है जगह जगह नाकाबंदी कर दी है और जो भी गाड़ियां आ रही है उनको रुकाया जा रहा है, उनको से पूछा जा रहा है कि वो कहां पर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को भी समझाया जा रहा है कि अपने घर से बाहर ना निकले। यहां पर आप देख सकते हैं कि साइकिल में जो है एक साइकिल सवार आया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से आ रहा है। मुंबई पुलिस जो है जगह जगह पर खड़ी है और लोगों को से पूछ रही है और समझा रही है कि वो अपने घर से बाहर ना निकले। ये नाकाबंदी इस तरीके की पूरे मुंबई में इस वक्त जारी है। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। कोरोना वायरस के कहर में जहां देश भर में मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति काफी ज्यादा बुरी हो गई है, यहां पर इन्फेक्टेड की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच में जब सरकार न्यूज चैनल्स के जरिए अपने लोगों को हिदायत दे रही है, उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो अपने घर में रहे, साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हर जगह पर होर्डिंग लगाई गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी जगह के दरमियान ही चार बोर्ड्स को एक साथ लगाया गया है, पांच बोर्ड्स को एक साथ लगाया गया है, जिससे कि लोगों को ये हिदायत दी जा सके कि किस तरह दिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच में जब सरकार न्यूज चैनल्स के जरिए अपने लोगों को हिदायत दे रही है, उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो अपने घर में रहे, साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हर जगह पर होर्डिंग लगाई गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी जगह के दरमियान ही चार बोर्ड्स को एक साथ लगाया गया है, पांच बोर्ड्स को एक साथ लगाया गया है, जिससे कि लोगों को ये हिदायत दी जा सके कि किस तरह से उन्हें अपना ख्याल रखना है। ना सिर्फ इसमें मराठी बल्कि हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा गया है। आपको बोर्ड्स दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हर एक बोर्ड में एक अलग अलग मैसेज लिखा गया है कि किस तरह से हाथ धोना चाहिए, किस तरह से
लोगों से दूर रहना चाहिए। जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी वहां तक आपको ये बोट्स नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन की, तो मुंबई जिसकी रफ्तार कभी कम नहीं होती, जो कि कभी रुकती नहीं है, फिलहाल हम हाईवे पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाम मात्र की कुछ गिनती की गाड़ियां जो सड़कों पर उतर रही हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि फिलहाल सरकार और पुलिस के जो कर्मचारी हैं लोगों से बस यही निवेदन कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ियां लेकर बाहर ना निकले। पर बताना चाहेंगे कि जो बीएसटी की बसेज है, जैसे आप देख सकते हैं उस किनारे पर कि किस तरह से बीएसटी की जो बसेज है उनकी आवाजाही सबसे ज्यादा चल रही है और वहां पर बसेज में चढ़ने वाले लोगों के पास भी कुछ संख्याएं हैं। हालांकि ये जो बसेज हैं हमेशा भरी होती थी, लेकिन फिलहाल लोग अपनी सिर्फ जरूरतों के कारण ही बाहर आ रहे हैं और अब बाहर आने का एक ही मकसद है कि वो अपनी इसेंशियल कमोडिटीज को स्टॉक करना चाहते हैं, वो अपनी जरूरत के सामान को इकट्ठा करना चाहते हैं। हम भी यही दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से सड़कों का हाल है इसे इसी तरह से खाली रहने दीजिए। जो बोर्ड्स लगे हैं, जो होर्डिंग्स लगी हैं, उनका पालन करें, उनसे सीखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। भोपाल में लॉकडाउन का असर आज देखने को मिल रहा है। अभी हम मौजूद हैं एमपी नगर के सबसे व्यस्तम इलाका बोर्ड ऑफिस चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। जो सड़कें हैं वो टोटली खाली दिखाई दे रही है और वही लोग घूम रहे हैं जिनकी कहीं ना कहीं जरूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं में हो या फिर पुलिस वाले हों या फिर जिनकी राशन की दुकानें हैं, दूध की सप्लाई करने वाले लोग हैं वो हैं। और यहां पर आप जो नगर निगम की गाड़ी देख रहे हैं, इस तरीके की गाड़ियां जो गीला कचरा और सूखा कचरा उठाने वाली गाड़ियां होती हैं, इनमें भी ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप आपके घर से बाहर न जाएं। कुछ नेकदिल इंसान भी यहां पर घूम रहे हैं पूरे दिन, जो है कि वो अपनी स्कूटी पर ऐसे घूमते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक चाय का टब है वो यहां पर रखे हुए हैं, बकायदा इसमें डिस्पोजल ग्लास रखे हुए हैं। भाई साहब कहां से आ रहे हैं आप? सर हम करौत से आ रहे हैं। ये कहां कहां देते हुए आते हैं, किन किन लोगों को? पूरा पुलिस स्टाफ जो सेवा में लगा हुआ है सबकी, जनता की, उनके लिए। जनता की सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए एक बेहतरीन जो काम है वो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की भी यदि बात कर ली जाए तो वो भी 24 आवर्स की उनकी ड्यूटियां हो चुकी हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, लगातार काम में लगे हुए हैं, मुस्तैदी बनाए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग यहां पर अलबत्ता जरूर दिखाई दे रहे हैं जो बगैर काम के यहां से निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कल की अपेक्षा, क्योंकि कल भोपाल में कर्फ्यू लगा हुआ था, उसकी अपेक्षा आज जो है कि लॉकडाउन का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इस लॉकडाउन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल हो गया, इसके साथ में खाने की जो राशन की दुकानें होती हैं वो हो गई, दूध की दुकानें हो गई, फल सब्जियों की दुकानें हो गई हैं वो यहां पर खुली हुई हैं, क्योंकि लॉकडाउन में साफ कर दिया गया है कि ऐसी दुकानें यहां पर खुली रहेंगी। इस तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है और समझाइश दे रही है। आप देख सकते हैं कि बैंक के कर्मचारी हैं, इनको जाना भी जरूरी है, तो हालांकि पुलिस का काम है कि वो पूछताछ करे और पूछताछ करने के बाद में इनको छोड़ रही है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो किसी काम से ही नहीं घूम रहा है, कोई काम नहीं है उसके पास में, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा लोगों के ऊपर भोपाल पुलिस ने कार्रवाई भी की है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ प्रशांत शर्मा, इंडिया न्यूज भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती मंगलवार को 21 दिनों की लॉकडाउन की घोषणा की है जो पूरे देश भर में लागू है। इस वक्त हम वाशी में मौजूद हैं और आप हमारे इर्द गिर्द के जितने भी दृश्य आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए यहां पे किराने के शॉप पे आए हुए हैं और यहां से ये शॉपिंग कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज महाराष्ट्र में नववर्ष मनाया जा रहा है, गुड़ी पाड़वा का दिवस है और आप यहां पर देख सकते हैं जितने भी लोग हैं खुद से सतर्क हैं और यहां पे खुद फेस मास्क लगा के आए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे से दूरियां बना के रखी है इन्होंने। और इसके साथ ही हम आपको इस रिपोर्ट में यह बताना चाहते हैं, जैसे कि आपने देश भर में यह खबरें सुनी कि किस प्रकार किराने की शॉप में अगर आप चले जाएं या सब्जी लेने चले जाएं, फल लेने चले जाएं, तो वहां पे आपको जितने दाम है वो दो गुना और तीन गुना आपको समझ में आ रहे हैं और वहां से आपकी खरीदारी मुश्किल हो जा रही है ग्राहकों के लिए। यहां पर हम जानना चाहेंगे, इनसे हम पूछेंगे कि इनके भाव पर इतना असर पड़ा है कि वह जो उनके ग्राहक है उनको दोगुना तीनगुना भाव में बेच रहे हैं। भाई साहब अगर आपके पास वक्त है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें ये बताइए, देश भर से यह खबरें आ रही हैं कि प्राइसिंग बढ़ चुकी है ये लॉकडाउन के चलते, तो आपने यहाँ पे प्राइसिंग बढ़ा के दी है? नहीं 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 बढ़ा है, जो दाम के है पहले ही वही दाम है, तो आपके इस पे कोई असर नहीं पड़ा है? नहीं असर नहीं पड़ा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद के सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जितनी परचेजिंग है, शॉपिंग है, वो चल रही है और यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि महाराष्ट्र में सर्वाधिक केसेस हैं कोरोना वायरस के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आपको 21 दिन के लॉकडाउन के तहत घर के अंदर रहना है। ये मेरी सोसाइटी है नोएडा सेक्टर 119 में, प्लैटिनम नाम की ये सोसाइटी है। लेकिन सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा, एक बार अगर मैं अपनी दाई तरफ दिखाता हूँ सोसाइटी के अंदर ही आप देखें सब्जी का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। अब अगर कैमरा मेरी तरफ आता है तो मेरी तरफ आने के बाद यहाँ जमीन पर आप देखिए एक एक मीटर के दायरे पर ये स्क्वायर शेप में बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी रेजिडेंट हैं, इसका बहुत कड़ाई से पालन कर रहे हैं। आप देखें एक मीटर के फासले पर मैं यहाँ से हूँ और उसके बाद एक मीटर के फासले पर एक और स्क्वायर है, आगे आप चलेंगे एक मीटर के स्क्वायर पर एक और आपको कस्टमर नजर आ जाएंगे, एक और रेजिडेंट नजर आ जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर पंक्ति लगी है, पंक्ति को मैं भी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन हाँ, और अगर थोड़ा सा कैमरे का और पास में आप लेकर के आते हैं तो पता ही चलता है कि यहाँ पर ये पूरा स्टॉल लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि स्टॉल जिन्होंने लगाए हैं अपने चेहरे पर मास्क लगाया है। यहाँ पर एक रेजिडेंट भी है, अगर दूर से आपसे बात करना चाहूँ, एक्सक्यूज मी, आप सब्जी लेने के लिए आए हैं? हालांकि एक मीटर के फासले पर ही हम लोग बात करेंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं, 21 दिन का लॉकडाउन, किस तरह से घर में जिंदगी गुजर रही है? थोड़ा तेज बोलिएगा। बोर हो गए घर में। अच्छा, घर में बोर हो गए आप, सब्जी लेने के लिए आए हैं? एक मीटर के फासले पर ही हम लोग बात करेंगे। मैं दूसरे स्क्वायर पर आ गया हूँ, सब्जी लेने के लिए आए हैं? कोई किसी भी तरह की कमी तो नहीं हो रही? नहीं, यहाँ पर सब फुलफिलमेंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ आपको मिल रहा है। भैया, ये सब्जी का स्टॉल कितने से कितने बजे तक लगाते हैं? सुबह 7 बजे से लेकर के दिन 12 बजे तक। सुबह 7 से लेकर के दिन में 12 बजे तक ये स्टॉल लगता है? और हाँ, शाम को 4 बजे से लेकर के 9 बजे। शाम 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक। एक बार अगर कैमरा और हम घुमा करके दिखाएंगे, यहाँ पर दो दो गार्ड्स भी हैं जो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं। चलिए, एक मीटर के फासले पर आपसे भी बात होगी, आप लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी जितने भी रेजिडेंट यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आए हैं, एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, ऐसा ही कर रहे हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताइए कोई ऐसा रेजिडेंट तो नहीं है जो आपकी बात नहीं मानता? अच्छा, सब लोग मानते हैं। और अगर दूसरी तरफ भी एक बार दिखाएं, यहाँ देखिए पूरी तरह से ये लॉबी है जहाँ से लोग सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। और बाईं तरफ देखिए एक आंटी भी आई हुई है, आंटी से भी हम बात करते हैं। और आते ही उन्होंने ये जो एक मीटर के स्क्वायर का जो फासला है उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। आंटी, सब्जी लेने के लिए आई है? हाँ बेटा। अच्छा, अपने चेहरे पर आप कपड़ा रखे हैं? हाँ। अच्छी बात है। और ये जो सारा स्क्वायर है एक बार दिखाएं जरा, एक बार पूरा सारा स्क्वायर दिखाएं। हाँ, ये सारा जो स्क्वायर है ये किस तरह की अवेयरनेस के लिए है, आपको अंदाजा है मैम? हाँ बेटा, ये है कि थोड़ी दूरी बनाए रखें। हाँ, ताकि आप स्वस्थ रहें अपने आप को। तो एक एक मीटर का देखिए ये जो स्क्वायर है बता रहा है, ये जिंदगी का एक चौकोर है, आप निश्चित दूरी बना करके रखें। और इंडिया न्यूज भी लगातार आपको यही तो कह रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। और अगर इतनी जागरूक मेरी सोसाइटी है, अगर इतना जागरूक हिंदुस्तान है, तो आपके लिए भी जागरूक रहना और घर पे रहना तो सबसे आसान होता है। हालांकि एक दो लोगों का ये कहना है कि हम तो बोर हो गए, लेकिन हाँ, याद रखिए अपनों के लिए समय मिला है, अपनों के साथ में समय आप दीजिए। इंडिया न्यूज लगातार देखते रहिए, हैशटैग घर पर बने रहिए, इस कैंपेन के साथ जुड़े रहें। सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके रखनी है और लगातार सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज देखते रहना है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की हर रिपोर्ट इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। जरूरी क्या है? घर में रहना। और इसीलिए इंडिया न्यूज आपसे बार बार अपील कर रहा है कि आप लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने घर में रहें, जो खाली समय आपको मिल रहा है उसमें कुछ क्रिएटिव काम करें और उसका वीडियो बनाकर आप इंडिया न्यूज को जरूर भेजिए, हम वो दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और घर से बाहर नहीं निकलना। लॉकडाउन की क्या स्थिति है ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले गाजियाबाद से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन की रिपोर्ट। आपको जीटी रोड की तस्वीरें दिखाऊं, आज काफी ज्यादा कम लोग रोड पर निकले हैं और धीरे धीरे जो असर है वो और बढ़ता जा रहा है, जागरूकता भी बढ़ती जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी जागरूक नहीं हैं और उन्हें जागरूक करने के लिए
और उन पर कार्यवाही भी करने के लिए पुलिस सड़कों पर मौजूद है। अब देखिए तस्वीरें फिर आपको मैं दिखा देता हूं। यहां देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से जो लॉकडाउन के दौरान लोग ट्रैफिक कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बाइक सवार गए और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। हम भी सोशल डिस्टेंसिंग लगातार मेंटेन कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कर रहा हूं, लेकिन फिर मैं आपको उधर तस्वीर दिखाऊं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। वो देखिए सामने वो जो बाइक सवार है वो बिना हेलमेट के जा रहा है। एक तरफ जहां लॉकडाउन को लेकर सभी लोग एहतियात बरत रहे हैं, घरों में रहने को कहा गया है, वहां अब आप अगर ट्रैफिक नियम भी तोड़ेंगे तो कैसे चल पाएगा, ये पुलिस के लिए मुश्किल भरा होगा। मुझे अपने कैमरामैन को थोड़ा दूरी पर जाने के लिए कहना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि हमने कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया है। मैं थोड़ा आगे चलता हूं और यहां मैं दिखा देता हूं जहां मैं खड़ा था। वो देखिए, मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, वो पहला सर्कल है, ये पहला सर्कल है, और इसके ठीक ये देखिए कुछ दूरी पर दूसरा सर्कल मैंने बनाया यहां पर, और ये मैंने अपने कैमरामैन के साथ डिस्टेंस बनाने के लिए किया। इस तरह का सोशल डिस्टेंस आप भी मेंटेन कर सकते हैं, पुलिस भी करा रही है। दुकानों पर अगर एक से ज्यादा लोग एकत्रित हो जाते हैं तो इस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है। उम्मीद है कि लगातार जो असर है, जागरूकता है, वो बढ़ती जा रही है, मगर हम फिर भी वही कहेंगे कि कोरोना के क्रिमिनल मत बनिए, घर से मत निकलिए और प्रशासन की मुश्किलें मत बढ़ाइए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे बैंक और एटीएम की। यहाँ पे एटीएम जो है वो ओपन है, क्योंकि तमाम तरह की जो वस्तुएं यहाँ पे आम पब्लिक को खरीदनी पड़ती हैं, जैसे किराने की बात कर ली जाए, सब्जी भाजी की अगर बात कर ली जाए, या गैस सिलेंडर, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल की जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पे ओपन है। एटीएम कार्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो यहाँ पे एटीएम पहुंची है और एटीएम का यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लॉकडाउन मतलब पूरे मध्य प्रदेश में दुकानें बंद है, लेकिन किराने की दुकान, फल फ्रूट, सब्जियों की दुकान, एटीएम, बैंक जो है यहां पे ओपन रहे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि बकायदा जो एटीएम है इनको क्लीन किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार से ये महामारी फैले ना, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। और स्क्रीन और जो टच रहता है कीपैड, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो लोग, आम जनता, पब्लिक पहुंचते हैं, वो इस पासवर्ड और नंबरों का यूज करते हैं, इसलिए जो है इन्हें समय समय पे यूज किया जाता है। और सुरक्षा के यहाँ पे गार्ड भी हैं, उनके हाथ पे आप देख सकते हैं कि भैया हम ये काय की मशीन है, अच्छा टेम्परेचर की, आप थोड़ा दिखाएंगे, ये देखिए ये टेम्परेचर नापा जा रहा है कि किस प्रकार से ये पूरा टेम्परेचर है। 96 है, 96 मतलब नॉर्मल, हम नॉर्मल अपन समझते हैं, 93 और 94 तो नॉर्मल मानते हैं, अगर धूप से आता तो 96 तो वैसे ही हो जाता है आदमी, इस वजह से 96 तो अपन धूप वाले का मान रहे हैं, उससे ऊपर है तो अपन रोक देते हैं उसको। अच्छा 96 से अगर ऊपर है तो उसको आप बैंक में प्रवेश नहीं देंगे, बिल्कुल सैनिटाइजर करा रहे हैं, हम भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम भी तमाम तरह की दुकानें पहुंच रहे हैं, सब्जी की दुकानें पहुंच रहे हैं, किराने, सैनिटाइजर पर्सनल है, बिल्कुल सैनिटाइजर यहाँ पे सबको दिया जा रहा है जो भी बैंक के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जो भी व्यक्ति बैंक में आता है तो सबसे पहले उनका टेम्परेचर भी यूज किया जाता है, तो विशेष सावधानियां जो है बैंक में बरती जा रही है, सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, और सैनिटाइजर यहाँ पे आम व्यक्तियों को दिया जा रहा है कि वो भी यूज करे। एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, और विशेष तौर पर अगर पुलिस बल की बात कर ली जाए, अगर जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति यहाँ पे फालतू घूमता हुआ दिखाई देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जो है पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। रात 12 बजे के बाद में पूरे देश भर में लॉकडाउन करने के बाद फरीदाबाद में भी स्थिति बदली दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो सड़कों पर पुलिस कर्मी, साफ तौर से अब सख्ती बरतना पुलिस कर्मियों ने शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ बाकायदा पुलिस कर्मी सख्ती बरते हुए लोगों को वापस, जो तमाशबीन बनने के लिए रोडों पर निकल रहे हैं, बिना वजह के रोड पर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ तौर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को
नहीं बख्शा जाएगा। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कहीं ना कहीं सड़कों पर खड़े हैं, और इसके साथ साथ अब पुलिसकर्मियों ने कॉलोनियों और सेक्टरों में जाकर भी उन लोगों को समझाने के साथ साथ सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। जो लोग कॉलोनी की गलियों में निकल रहे हैं, और यहाँ केवल उन्हीं वाहनों को बाहर निकलने दिया जा रहा है जो इमरजेंसी के वाहन हैं और जिनकी जिम्मेदारी है इस कोरोना वायरस से लड़ने को लेकर, चाहे डॉक्टरों की बात करें, चाहे पुलिसकर्मियों की हो या चाहे सफाई कर्मियों की। और देखिए, ये साफ तौर से बात करते हुए आप देख सकते हैं जिस तरह से लोग अभी भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, इनसे बात भी करेंगे। एक मिनट रुकिए, किस लिए बाहर निकले? मैंने पूजा कराई थी 4 दिन से, मैं यजमान के यहाँ था, आज मेरा काम संपन्न होकर के मैं अपने घर जा रहा हूँ बल्लभगढ़। आपको पता नहीं था आप इस वक्त निकले हैं जब रात को 12 बजे लॉकडाउन हो गया, उसके बाद भी आप पूजा में लगे हुए हैं 4 दिन से? 4 दिन से मैं उन्हीं के यहाँ घर पे था जी, अपने घर से आप जा रहा हूँ जी वापस। आगे से आप ध्यान रखें, मास्क पहनकर निकलें, ये हम भी कह रहे हैं और पुलिसकर्मी और तमाम लोग कह रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, साफ तौर से कुछ लोग कहीं ना कहीं इस गलती को लगातार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको लेकर ही कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जो सख्त संदेश और सख्ती दिखाई जा रही है वो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए भी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। लॉकडाउन के दौरान कहीं ना कहीं हाईवे बंद है, एक्सप्रेस वे बंद है, रेल सेवा बंद है, बस सेवा बंद है। तो जिस प्रकार से जो ये लोग देख रहे हैं आप, ये लोग दिल्ली से चलकर आगरा पहुंचे, कल सुबह 6 बजे दिल्ली से चले थे, आज दोपहर में ये आगरा पहुंचे हैं। इससे बात करेंगे कि पैदल सफर इन्होंने दिल्ली से आगरा तक तय किया है जी। कब चले थे आप दिल्ली से? कहते कब चले थे दिल्ली से? सुबह 6 बजे जी, आज पहुंचे हैं आज। हाँ, आगरा। बीच में रास्ते में कितनी दिक्कतें हुई आपको? लगातार पैदल चल रहे हैं आप? पैदल पैदल ही चल रहे हैं जी। वाहन मिला आपको? वाहन मिला कोई रास्ते में आने के लिए? गाड़ी उड़ी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। कहाँ जाना है आपको? हम लोग को बिहार जाना है, मुजफ्फरपुर। तो कल दिल्ली में 6 बजे निकले सुबह जी। अब पैदल आ रहे हैं? पैदल ही आ रहे हैं, पैदल। अच्छा, बीच में कोई दिक्कत और परेशानी हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं। खाना वाना कुछ मिला? नहीं, प्रशासन ने पूरी मदद की। अच्छा, प्रशासन ने मदद की आपकी जी? तो कहीं ना कहीं इनके प्रशासन ने खाने की तो मदद की, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का वो इनको नहीं मिल पाया, इसलिए ये लगातार कल सुबह 6 बजे से चलकर दिल्ली से आज ही आगरा पहुंचे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। एक तरफ देश में कोरोना के क्रिमिनल्स घूम रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान भी नियमों को नहीं मान रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना के नायक हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये गुलाब राय हैं। बिहार के रहने वाले गुलाब राय गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में काम करते हैं, और ये क्या सिल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो मैंने पहना हुआ है वही ये सिल रहे हैं, ये मेडिकल सूट सिल रहे हैं, फुल बॉडी मेडिकल सूट, जो इस समय बहुत जरूरी है और ये आपको कोरोना के खतरे से काफी हद तक बचा सकता है, क्योंकि वायरस आप पर अटैक ना करे तो इस तरह से ये ढक कर आप निकल सकते हैं, और खासकर ये हॉस्पिटल में एंटर करते वक्त बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, हो रहा है, और इसकी सप्लाई कम ना हो इसके लिए गुलाब राय जैसे लोग काम कर रहे हैं। और गुलाब के बारे में एक और बात मैं आपको बताऊं तो गुलाब स्पेशली एबल हैं, वो ठीक से चल नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे वक्त में देश की सेवा करने की बात कही, जो उनके मालिक सलमान ने हमें बताया कि गुलाब ने कहा कि लॉकडाउन हो गया है और वो घर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जाएंगे तो एक लंबा रास्ता है और रास्ते में वो लोगों के टच में आएंगे और नहीं चाहते कि बाहर निकलें। उन्होंने ठाना कि वो काम करेंगे और काम करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। यहां हम गुलाब को एक मिनट के लिए रोकेंगे और उनसे पूछेंगे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कि वो क्या कहते हैं। गुलाब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितने आप एक दिन में ये सिल लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 20-25 हम से तैयार कर लेते हैं जी, और इसे इस बीमारी से बचने के लिए काफी अच्छा है ये जी। इनके लिए बाहर कहीं जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कोई खतरा ना है जी। हम इसकी पूरी सेट बना देते हैं मेडिकल स्टोर के। इस फैक्ट्री के जो मालिक है सलमान जी, उनसे पूछ लेते हैं। सलमान जी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि गुलाब जैसे लोग प्रेरणा है और आपने इन जैसे जो अपने वर्कर्स हैं उनको वापस जाने के लिए नहीं कहा, जैसे और लोगों को हम देख रहे हैं कि कई फैक्ट्री मालिकों ने वापस जाने को कह दिया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले गुलाब को जोड़ते हुए कि वो एक प्रेरणा है और साथ ही साथ ये कितना जरूरी है बॉडी सूट इस समय? सर, ये बॉडी सूट फुल कवरऑल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर से डॉक्टर्स और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए जी, क्योंकि ये एक तरीके से वायरस से बचाता है।
ये नॉन वुवन डिस्पोजेबल कोवरॉल्स है, इसे जब किसी मरीज को लेकर जाते हैं या उसका इलाज करते हैं तब ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। क्योंकि ये एंटी बैक्टीरिया है, ये वाटर प्रूफ भी है, डस्ट प्रूफ भी है। उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया या जो वायरस फैलने की संभावनाएं होती हैं वो बहुत तौर पर रोकी जा सकती है। लखनऊ में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी जरूरी सामान की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। हम लखनऊ की सब्जी मंडी मौजूद है, यहाँ पर पुलिस और खाद्य विभाग के लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं ताकि जो शिकायतें मिली थी चीजें महंगी हुई थी उनको सब जांचा जाए। हमारे साथ ACP आलमबाग मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ अभी यहाँ पर किया जा रहा है, आप लोग तरफ से क्या बताया जा रहा है लोगों को? ये नंबर एक बात तो ये बताई जा रही है सब्जी मंडी के लोगों से, यहाँ एक रेट बोर्ड लग जाए हर सब्जी का, जैसे आलू है, प्याज है और टमाटर है, लहसुन है, तो इन सबका एक रेट बोर्ड यहाँ लग जाएगा। और यहाँ एक डस्टबिन की व्यवस्था कराई जा रही है, और दूसरा यहाँ ये कराया जा रहा है कि ठेलों की व्यवस्था हो जाए जिससे डोर टू डोर सब्जियां यहाँ से आराम से जा सके, और लोग खड़े भी हों तो एक सोशल डिस्टेंसिंग आपस में लगभग 1 फीट 2 फीट 2 फीट की दूरी पे ही लोग यहाँ पर रहें। तमाम सारे लोगों की शिकायतें थी कि कुछ सब्जियां जो है वो महंगी दामों बेची जा रही, कुछ ऐसी शिकायतें आपको भी मिली होंगी? अभी ऐसी कोई विशेष बात तो प्रकाश में नहीं आई, उसके लिए हमने अपने सादे में पुलिसकर्मी लगाए थे जिससे हमने क्रॉस चेकिंग कराई, तो ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई। अभी जो है खाद्य विभाग के भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी हमने क्रॉस चेकिंग कराई, तो कोई ऐसी बात तो अभी विशेष प्रकाश में नहीं आती है। हाँ, अगर ऐसी कोई बात भी आएगी तो उस दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग बिल की शक्ल में आते हैं, उनको बताया जाएगा कि लोग दूर दूर रहें? हाँ, ये उनको स्पेशली बताया जा रहा है कि लगभग आपस में 1 मीटर की दूरी बना के रखें, और उसके लिए यहाँ चाक से निशान भी बनवाए जा रहे हैं, और प्रयास किया जा रहा है कि ठेलों से सब्जियां डोर टू डोर चली जाएं। राइट तौर से लोग दूर रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आलमबाग की पूरी पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इंस्पेक्टर मौजूद है, उसके अलावा तमाम सारे जो पुलिस के लोग हैं वो मौजूद है, खाद्य विभाग के लोग आए ताकि साफ तौर पे जो सब्जियों की शिकायत मिली थी महंगी वो शिकायत को दूर किया जा सके, और लोग जो है वो सोशल डिस्टेंस बना के रखें ताकि उनकी जो सेहत में है जो बिगड़ने से उनको रोका जा सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो पूरे देश में लॉकडाउन है, और इंडिया न्यूज आपसे बार बार अपील कर रहा है कि आप इस लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, #घर पर रहें ये मुहिम हम चला रहे हैं, और आप इस मुहिम का हिस्सा जरूर बने। घर पर रहते हुए आप क्या कर रहे हैं वो हमसे जरूर शेयर करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और इसके साथ ही अगर आपको सूखी खांसी महसूस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो कोरोना की जांच जरूर करवाएं। लेकिन सबसे अहम ये है कि जो कहा जा रहा है लॉकडाउन के सिलसिले में उसका पालन आप करें। घर से निकलने का मतलब है कोरोना को बढ़ाने में अपना योगदान करना, और घर में रहने का मतलब है कि आप सबसे बड़े देशभक्त हैं और आप कोरोना के खिलाफ इस मुहिम में इस देश के साथ हैं, इस विश्व के साथ हैं।